कोरोना वायरस का असर जहां विश्व भर में देखने को मिल रहा है, वहीं इससे तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा की शिक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। यही नहीं, तिब्बत निर्वासित सरकार मुख्यालय मैक्लोडगंज में होने वाली तिब्बती धर्मगुरु की शिक्षाओं पर भी असर पड़ा है। तिब्बत निर्वासित सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुनचुक ने कहा कि पूरे विश्व में जो भी अनहोनी चीज होती है वो चीन से ही होती आई है। कोरोना वायरस का असर जहां विश्व भर में देखने को मिल रहा है, वहीं इससे तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा की शिक्षाएं भी प्रभावित हुई। यही नहीं, तिब्बत निर्वासित सरकार मुख्यालय मैक्लोडगंज में होने वाले तिब्बती धर्म गुरु की शिक्षाओं पर भी असर पड़ा है। तिब्बत निर्वासित सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुचुंकू ने कहा कि पूरे विश्व में जो भी अनहोनी चीज होती है वो चीन से ही होती आई है। कोरोना वायरस के माध्यम से जो भी मरीज आए हैं वो चीन से ही आए हैं। ये वायरस काफी लंबा रहा, आज तक कोई भी वायरस इतना लंबा समय नहीं रहा। इसको लेकर चीनी शासक भी दुविधा में है, वही पूरा विश्व संकोच में है। इस वायरस की वजह से पूरे विश्व की मुद्रा में गिरावट आई है। चीनी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के विशेष दौरे पर धर्मशाला में दलाई लामा की शिक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इस वायरस का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। दलाई लामा की कुछ गतिविधियां वायरस की वजह से स्थगित करनी पड़ी हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे जो विश्व भर में जो अनहोनी चीज है वो पूरा चीन से ही होते आया है। ये केवल ये कोरोना वायरस नहीं, परंतु जितना भी आज वायरस के माध्यम से जो मरीज आया है वो चाइना से ही शुरू हुआ है, और पूरे विश्व भर में उसका हमेशा समस्या का एक स्वरूप उठाते रहा। और आज तो ये कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही ऐसा एक वायरस है आया जो इतना लंबा समय कभी ऐसा नहीं रहा, और आज भी चीन शासक खुद अपने आप में दुविधा में है, और इसके वजह से लोग पूरा संकोच में है, विश्व संकोच में है, और इसके वजह से पूरे विश्व के मुद्रा के में बहुत ही एक तरफ से आंकड़ा में गिरावट आया है। तो ये चाइना के सरकार को लोगों को गुमराह ना करके वास्तव में इनको एक कदम उठाना चाहिए, विशेष कदम उठाना चाहिए, और जनता को केवल राजनीति के उनको केवल परिचय और प्रचार के रूप नहीं, वास्तव में संकट में जो है उनको सहयोग और समस्या का समाधान होना चाहिए। पर भी इसका फर्क पड़ा है, उनकी टीचिंग भी कैंसिल हो रही है, तो ये तो बहुत है, क्योंकि पूरे विश्व भर में हुआ, तो इसलिए का भी जो गतिविधि जो है उसमें भी काफ़ी स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि इस वजह से। और बाकी पूरे विश्व भर में जब ये संकट है तो इस संकट का समस्या का समाधान तो केवल चीन की शासकों ही पर जिम्मेवारी है, तो ये जरूर कदम उठाना चाहिए।